अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे भाई साहब, ये साहूकार किशनलाल का घर कहाँ है? आगे से दाएं मुड़ जाइए। आगे से दाएं। शुक्रिया। हेलो किशनलाल, कौन बोल रहा है बे? आवाज नीची करके बात कर, वरना बहुत अफसोस होगा बाद में। कौन बोल रहा है भाई? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल बोल रहे हैं। ननकेसर डकैत का बेटा है ना तू? हाँ, लेकिन वो तो जेल में है। हमने ही भेजा था, आजीवन कारावास। तो क्या है ना, उम्र कैद पाए मुजरिम की भी घर वापस आने की संभावना होती है। हमारा बाप जेल में सड़के मर जाए, ये तो न वो चाहता होगा और न ही तुम भी चाहते होगे। समझ रहे हो ना? तो सुनो, हमारे मुनिया टोला में हमारा बेटा राजीव नारायण चंदेल आया। भेंट हुई होगी तुमसे। अगर उसका एक भी बाल बाका हुआ, तुम्हारे बाप की अंत्येष्टि में तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा। और बाहर साले के घुमा के किशनलाल, ए किशनलाल। अरे आइए सरकार, आइए। हटो बे। ए, हटो पीछे। ले आ गया तेरी गुफा में, अब दहाड़ना। अरे आइए सरकार, आइए। अरे बंद करो रे, बंद करो ये सब। अरे अतिथि आए हैं घर में। ए, मैं तेरा मत बदल, पहचान बताने वाला था नाम को, बताना पहचान अब। अरे सरकार, एक मामूली सा साहूकार हूँ, ऊंचा बोलने की आदत है मेरी, भूल जाइए पुरानी बातों को। मैं आपको यहाँ की बढ़िया वाली चाय पिलवाता हूँ, गुड़ की। अरे ओ बिंकू, बढ़िया गुड़ वाली चाय बना के ला और साथ में नाश्ता भी। अबे आदमी है कि पजामा हो बे, कभी टाइट कभी ढीले। हाँ सरकार, आप भी आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए आइए। अरे आपके ससुर साहब का मसला है ना, हल कर देते हैं। अरे कर्जा ही तो है ना, कोई खून थोड़ी हुआ है किसी का है। चंदन बाबू से बैठकर बात करते हैं, उनको जब बन पड़ेगा जब दे देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। कहा था ना हमने, डर से डरने की जरूरत नहीं है। डर को डराओ, किशनलाल से अब कोई खतरा नहीं है। मतलब वो पिघल गए? पिघल गया? अरे माई लड्डू मंगवाया हमारे लिए उसने। हम लोग सबका तो एकदम सांसें अटक गया था। नहीं माई, अब चैन की सांस ले पाएंगे सब? वैसे कितना मोहलत दिया है उसने? कहा है कि अपनी सहूलियत से अपने हिसाब से पैसे दीजिए। अरे सब जिया जी का प्रताप, देखो ये किशनलाल जैसा खतरनाक आदमी बकरी बन गया। मैं भेड़ का खाल पहन के भेड़िया भेड़ हो सकता है, पर शिकार न करे ऐसा कैसे हो सकता है? ये ढोल कौन बजा रहा है? ये तो ढोलिया का ढोल लगता है बाबू। लगता है कोई बड़ा होने वाला है। का पता, अभी तो दिवाली में भी समय है। आज सुनो सुनो सुनो, मर्द सुनो औरत सुनो, बूढ़ा सुनो बच्चा सुनो, और सुनो चंदन दास, तुम्हारा घर और ये जमीन गिरवी है हमरे पास। काहे? क्योंकि तुम हमसे कर्जा लिए थे और मोहलत निकल गई, ना तुमने मूल चुकाया और ना चुकाया सूद, और ये है कोर्ट का आदेश। वकील साहब आदेश दीजिए। ये है कोर्ट का आदेश
देखो देखो अच्छे से देखो, अब इसके बाद तुम सबको अभी के अभी इस घर को खाली करना होगा। चलो निकलो। अरे आदमी दिमाग से पागल है क्या? कल ही तो मिल के आए, कह भी रहा था कि मोहलत भी दिए थे। हाँ भेड़िया है ये, शिकार करना छोड़ दे, संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं छोड़ेंगे ये घर। क्या बकवास कर रहे हो तुम किशनलाल, अभी कल ही आए थे ना तुम्हारे घर पे, मिल के गए ना। बघेल बाबू बताओ इन सबको। जी ये देखिए। क्या ये, पढ़ो इसको। सिविल कोर्ट नौबतगंज का ऑर्डर है कि चंदन दास वल्द मंगरू दास किशन लाल वल्द नंद शेखर राय से 20,08% ब्याज पे कर्ज लिया दिनांक 17 मई 2021 को, बदले में अपना पुश्तैनी घर गली नंबर 12 मुनिया टोला और खेतीहर जमीन खेसरा खाता 1287/6 बीघा 8 डिसमिल गिरवी रखी, मूल और सूद ना लौटाने की स्थिति में अदालत चंदन दास को घर और जमीन से बेदखल करती है और दोनों संपत्तियों दिनांक 20 नवंबर 2023 को सार्वजनिक तौर पर नीलाम कर दी जाएगी। सिविल कोर्ट नौबतगंज। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कि हम होने नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा ससुराल है, हमारी बेटियों का नहीं हार है, हम यहाँ का ब्याह कर आए थे और यहाँ से हमारी लाश जानी है। खबरदार, अगर किसी ने एक ईंट भी छुआ तो हम जान ले लेंगे। अबे तुम लोग यह सब तमाशा देखने आए हो, नाटक चल रहा है कोई? अरे खदेड़ दो सबको, फेंक दो उनका सब तीन कनस्तर, जाओ। अरे खड़े रहो वहीं पे, फिक्र मत करिए माई, हम देखते एक एक को। ए, राजीव बाबू, ये किशन लाल की खोपड़िया का कमाल है, कब पलट जाए खोपड़िया बोल नहीं सकते, कभी ठंडी कभी गर्म, आज गर्म है और हाथ में गन है, इसलिए हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। नहीं नहीं रुक जाओ। कुछ नहीं कर सकते, कानून का मामला है। अरे मत करो भाई, हे भगवान कितना भावुक परिवार है। माई तू रो मत, और वैसे भी इन लोग के सामने रोने का कोनो फायदा नहीं है। तुमसे नैना मिलाएंगे सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।